हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग के टाइम से ये वीडियो आज ही का है तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और नवरात्रे का पहला दिन है तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और जो भी मुझसे बड़े हैं वो भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो अभी सब लोग घर में सो रहे हैं और मैं उठ करके लग गई हूँ साफ़ सफाई में। काफ़ी सारा जो काम था वो मैं एक दिन पहले ही कर दी थी, रात में सोने से पहले अलमारी सेट की थी। रात में ही मेरा जो कपड़ों का जो अलमारी था जहाँ मैं रखती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो फिर रात में ना खाना वाना बनाने के बाद ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हाउसवाइफ को, मेरे साथ तो अक्सर होता है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी एनर्जी आ गई है, कितना काम एक बार में निपटा लिया है कि नहीं। तो वही मेरे साथ कभी कभी हो जाता है। तो जब भी ये समय आता है ना तो मैं ढेर सारा काम जो भी होता है उसको मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं रात में ही अलमारी सेट की थी और जितने भी अंदर कमरे में या बाहर कमरे में कहीं भी फालतू का चीज़ इधर उधर बिखरा पड़ा था जैसे कि बच्चे फैला ही देते हैं, वो सारा रात में ही मैं समेट करके रख दी थी। और सुबह उठकर मुझे नहाकर जल्दी और पूजा करना था तो रात में ही साड़ी निकाल करके चूड़ी वगैरह सब निकाल करके तब मैं सोई थी। और सोई नहीं थी गाइस, मैं अलार्म लगाई थी 5 बजे का, मॉर्निंग के 5 बजे के 5 बजे जग करके और जल्दी जल्दी काम करूँगी। मगर पता है क्या हुआ, रात में ना बहुत बड़ा हादसा हुआ। सब लोग खा लिए थे खाना, मैं इनसे बोली कि आप लोग खा लीजिए, मैं थोड़ा लेट खाऊँगी। और अभी देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ, थोड़ा तैयार हो जा रही हूँ। तो क्या हुआ था ना गाइस कि मैं खाना खा रही थी बैठ करके, सारा काम खत्म करने के बाद किचन वगैरह क्लीन की तो बेड पे ही बैठ करके खाना खा रही थी। अचानक से ना एकदम बेड जो है वो हिलने लगा तो मैं पीछे राधिका को देखने लगी, मुझे लगा कि बच्चे हिला रहे हैं मगर वो बच्चे नहीं हिला रहे थे। भूकंप आया था गाइस रात में, यहाँ पे नोएडा में बहुत तेज भूकंप आया था और 2 बार तेज तेज झटके आए, महसूस हुआ, पूरा महसूस हुआ। और जब भी भूकंप वगैरह आता मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा इंसान जिसे इन सब चीज़ों से डर न लगता हो। देखिए हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, हर किसी को डर लगता है, कोई जीव जंतु हो या इंसान हो, है कि नहीं। तो वही मैं भी डर गई थी तो उसी डर के कारण ना मैं रात भर नहीं सोई। वैसा तो नहीं है मैं सो जाती मगर एक तो कारण क्या है कि मुझे 12 बजे के बाद ही नींद आता, 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आता। आजकल ना एक सीरियल देखने की लत लग गई है, अनुपमा सीरियल मैं खूब देख रही हूँ, उसके पीछे मैं पागल हो गई हूँ। जब भी फ़ोन उठाती हूँ वही सीरियल ही देखने लगती हूँ। तो लेट सोई और फिर जब भी कोई किसी भी चीज़ का आवाज़ हो रहा था तो मैं फटाक से डर के मारे मेरा नींद खुल जा रहा था। तो मैं रात भर सोई ही नहीं सही से और सुबह उठी तो तबीयत भी अजीब अजीब जैसा लग रहा था। तो फिर वही है कि उठ करके काम तो करना है। तो अभी पता है नहाने के बाद मैं घर में पूजा कर ली हूँ, अच्छे से पूजा की हूँ, मंदिर वगैरह साफ करके, वैसे तो साफ करते रहती हूँ हमेशा मगर फिर एक बार जितने भी भगवान जी थे उन सब फोटो को अच्छे से साफ की, चुंदरी चेंज की, अच्छे से पूजा कर ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, अब खाना बनाऊँगी इन लोगों के लिए। मेरा तो जो है वो आज व्रत रहेगा तो इन लोगों के लिए बना देती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं परवल छील करके रख ली थी और काट करके, ताकि जितना भी कूड़ा कचरा था मैं उसी टाइम में समेट लेती। तो अभी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और परवल धो करके रख दी हूँ और आलू कट कर ले रही हूँ। आलू और परवल की सब्जी और रोटी बनाऊँगी इन लोगों के लिए। तो फटाफट से सब्जी रोटी बना लेती हूँ। और अभी ना मुझे मंदिर भी जाना है। मंदिर में इसलिए नहीं गई पहले क्योंकि देखिए मंदिर में जाने के बाद थोड़ा भीड़ भी रहता है तो टाइम लग जाता है और खाना बनाना पहले ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ चली जाती तो ना तो वहाँ भी अच्छे मन से, मंदिर में भी अच्छे मन से पूजा होता, क्या होता है कि फिर काम में ही ध्यान लगा रहता है कि वो लेट ना हो जाए, खाना बनाना है, इन लोगों को ड्यूटी जाना है। तो इसीलिए मैं पहले खाना ही बनाने लगी, खाना बना करके तब मंदिर जाऊँगी। और देखिए मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहीं भी जाते हैं देवी देवता के मंदिर में तो वहाँ हमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। और फिर अगर मन दो जगह बटा हो तो इंसान कैसे मन लगाएगा, है कि नहीं। और लहसुन प्याज तो बनेगा नहीं, तो कोई ऐसा फंडा नहीं था कि लहसुन प्याज छूने के बाद पूजा नहीं करना है। तो अभी 9 दिन लहसुन प्याज का काम मेरे घर में नहीं है, रखा हुआ है मगर साइड करके रखा हुआ है, लहसुन प्याज नहीं बनेगा।
तो ही मैं आटा भी लगा करके रख दी थी रोटी सेकने के लिए, और आलू और परवल जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो बस सिंपल से थोड़े से मसाले डाल करके और सब्जी यहाँ पे छौंक दूंगी। और सब्जी की जो कढ़ाई है ना उसको मैं दूसरे तरफ कर दी हूँ, और अभी फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी और रोटी बना करके और इसके बाद ही जाऊँगी मंदिर। अभी बच्चे सारे जग गए हैं और इसके पापा जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं। क्या हुआ ना रात में, जैसे कि ये लोग तो सोए मैं नहीं सो पाई, जब भी थोड़ा सा पंखे का आवाज़ हुआ और बच्चे भी हैं तो कभी राधिका खांस रही थी, कभी दिव्यांशु, तो इन्हीं सब के देखने करने में मैं सो ही नहीं पाई। और एक बार जब कच्ची नींद हो जाती है ना, बार बार जब खुलने लगती है तो फिर नींद ही नहीं आता सही से, और वही सब बातें हैं। और कि कहाँ कहाँ भूकंप आया है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे गाइस, डरने वाली बात ही है। और एक तरह से सोच के देखें तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, हर क्षण में हर पल में डर बना रहता है। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर ये है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। सब लोग जितने भी यहाँ पे थे ना, सब अपने अपने छत पे बाहर पूरा भीड़ लग गया था इस तरीके से। वैसे तो जब भूकंप आए तो हमें बाहर के खुले मैदान में जाना चाहिए, मगर यहाँ तो खुला मैदान, बस हर जगह मकान मकान और बिल्डिंग बिल्डिंग ही दिखाई देती है। और अभी ना मैं रोटी बना ली हूँ, बस एक दो रोटी और सेकनी रह गई है, तो अभी क्या करूँगी, सब्जी जो है बन चुकी है तो अभी दीपिका को खाना दूँगी। दीपिका का मन कर रहा है खाने का आज गरम गरम रोटी। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और मैं फटाफट से लंच पैक कर दूँगी इनके लिए और सूरज के लिए, उसके बाद ही मैं मंदिर जाऊँगी ताकि कोई टेंशन ना रहे, मैं अपना बिंदास पूजा करूँ आराम से। जितना थोड़ा टाइम भी लगे तो कोई बात नहीं। और दीपिका कह रही थी मम्मी आज मेरा ना गरम गरम रोटी खाने का मन कर रहा है, तो मैं बोली आज ना एक ही बार मैं रोटी बनाकर रख दूँगी, बार बार नहीं बनाऊँगी क्योंकि व्रत है, थोड़ा चाय वाय भी बनाते तो कितने बार चूल्हा वूल्हा साफ़ करेंगे, तो इसी वजह से। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में गाइस, देखिए मंदिर में भी भीड़ है कि नहीं, भीड़ रहता है डेली रहता है, क्योंकि मैं डेली आती हूँ ना, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। वो भी आपको पता है कि सबको पता है हम औरतों को, औरतों की जो प्रॉब्लम होती है पूजा नहीं करना पड़ता है, हर महीने में कुछ दिन वैसे होते हैं, तो बस इसी वजह से मैं मंदिर नहीं आ रही थी, मगर फिर से मैं कंटिन्यू आना शुरू कर दी हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ और आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, नवरात्रे का पहला दिन है इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन भी करा दी हूँ। आज राधिका बच्चे घर ही पे थे तो मैं राधिका को बोली कि चलो साथ में थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लेना, तो इसी तरीके से मैं लेकर के आई हूँ राधिका को, और राधिका ही वीडियो बना रही है, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो तो मैनेज कीजिएगा, वैसे तो अच्छे से वीडियो बना लेती है। और सच बताइएगा मेरा तो यही मानना है कि मंदिर में जाने के बाद चाहे हमें कितना भी टेंशन हो, कितना भी चिंता हो, एकदम सारा चीज़ जो है वो साइड में हो जाता है, बस यहीं पे ध्यान जो है वो एकदम लग जाता है, एकदम मन जो है ना रम जाता है, बोलते हैं ना रम गए, वही वाला हाल हो जाता है मंदिर में जाने के बाद। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:17 और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, जय माता दी, माता रानी का कृपा सब पे बना रहे। और जस्ट अभी मैं आई हूँ पूजा करके मंदिर से, और सब लोग चले गए ड्यूटी, मैं सबको खाना बना करके पैक करके तब गई थी, क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसे छोड़ करके चली जाऊंगी ना तो फिर कुछ ना कुछ लफड़ा होना है, तो इसीलिए जो भी मेरा काम था सब करके गई थी। और अभी अब फिर से रूटीन शुरू होने वाला है, किचन क्लीन करूंगी, बिस्तर वगैरह सब ऐसे फैला पड़ा है वो सब समेटना है। और सुबह जल्दी जल्दी मैं मंदिर में पूजा की हूँ यहाँ घर पे, और सारा सामान ऐसे ही रख दी हूँ, मतलब जैसे कि वैसे ही रख दी, तो वो सारा भी सेट करना है। और आते टाइम मैं थोड़े से साबुदाने ले आई, दूध का पैकेट ले आई, और मखाने, और वो लाई का जो लड्डू नहीं होता है जो खाते हैं व्रत में वो वाला, तो अभी चलती हूँ थोड़ा सा एक बनाना खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जग करके काम कर रही हूँ ना, तो जिसे सही लग रहा है खाऊंगी या नहीं भी खाऊंगी कोई गारंटी नहीं है, बोल तो दे रही हूँ। और अच्छा लगता है जब सुबह उठ करके हम जल्दी जल्दी जब पूजा कर लेते हैं, नहा वहा करके, तो बड़ा मन को शांति मिलता है, और मंदिर जाने के बाद तो और भी मन को शांति मिलने लगता है। तो जो लोग भी चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और शेयर कीजिएगा जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस अगर न्यू है तो। और मिलूंगी फिर एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। और दीपिका कहाँ गई, दीपिका नीचे गई है मानवी को खिलाने, लोग आज इन लोगों का छुट्टी है, आज दिन कौन सा है, हाँ बुधवार, बुधवार दिन है गाइस, बाय गाइस, बाय।